आए थे काला घोड़ा और इमेजी का दिख गया हमें, जाने बलवा घोड़े पे क्यों सवार है। तो ये है आज की हमारी गाइड जो हमको घुमाने वाली है। हेलो बोल। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है 12th of February 2023, संडे का दिन है, दोपहर के बज रहे करीब एक, और आज मैं जा रहा हूँ काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल एक्सप्लोर करने के लिए। लाइक मैं पहली बार कोई फेस्टिवल देखने जा रहा हूँ। अभी साथ में तो बाइक है, मेरे किसी फ्रेंड को बोला है कि वो मुझे आधे रोड तक छोड़ दे, फिर वहाँ से मैं ट्रेन में जाऊँगा और फिर वहाँ पहुँच के आपको मिलते दोबारा। ये लड़का मेरे को छोड़ने जा रहा है, हाय तो कर ब्लॉग में। हाय। ये वाले बैग की कहानी कुछ ऐसी है कि रेगुलर मेरा जो बैग था उसमें जैसे मैंने चेन लगाने गया तो चेन ही खराब हो गया, तो इसलिए ये हेलमेट वाला बैग लेके जा रहे हैं। सरकार अपनी बदली लेकिन हालात वही है, अच्छे दिन आएंगे ऐसे कुछ शॉर्ट नहीं है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। जीने का मतलब कह दिया, क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर तेरी। रिक्शा से उतर कर पहुंच गया स्टेशन, अभी जाके टिकट निकालना है। लोगों के सामने ऐसे ब्लॉक करना बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए ऐसे नीचे रखा हुआ फोन में। टिकट के लिए छोटा सा लाइन लगाना पड़ रहा है। हेलो, इतना कंफ्यूजिंग होएगा यहाँ पे, मेरे को सोचा नहीं था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 साल बाद लोकल ट्रेन में चल रहा हूँ। तो हर बार की तरह आपको लग रहा होगा कि आज भी मैं अकेला आया हूँ, पर ऐसा नहीं है, हमारे साथ आज है डोरेमोन। हे डोरेमोन। तो ये है आज की हमारी गाइड जो हमको घुमाने वाली है। हेलो बोल। हेलो। नहीं बाद में करती हूँ। अरे हेलो तो बोल, कितना कुछ शर्म आ रही है। शर्म आ रहा है, एक्चुअली शर्म तो मेरे को भी आ रहा है, पर शर्म मारनी पड़ती है ब्लॉग के लिए। बोलो कुछ तो। कुछ तो बाद में ब्लॉग करते, कह रही है कि बाद में मिलेंगे। ये इतना बड़ा पंखा है तेरे घर पे लगाएंगे क्या? तू अपने घर को लगा। तेरे घर पे लगा ना। मेरे घर पे है ऑलरेडी। अरे अभी गर्मी आने वाला कैसा नहीं, है? नहीं मेरे घर पे एसी। तो गर्मी में इससे ज्यादा हवा मिलेगा? नहीं सर। तो अभी का प्लान क्या है बताएगी सर? कुछ नहीं, यहाँ से टैक्सी करना है चौक से। हाँ। उन्हें बोलना है कि हमारा डेस्टिनेशन का हमें कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? काला घोड़ा आज फेस्टिवल देखने जाना है ना। Okay. वही जाना है ना कि रिटर्न जाना है? नहीं नहीं, वही जाना, वही जाना है। तो वहाँ जाना है। फिर आगे का जो है वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग आपको वीडियो में दिखा देंगे। चलो। अरे कहाँ जा रही है? टैक्सी मिल नहीं रही है ना। इसको चाहिए प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग में नहीं जाना है। इसके वजह से टैक्सी में हम बैठ गए हैं और ये बोल रही थी कि इसको कुछ पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? शेयरिंग टैक्सी मुझे नहीं पसंद है। जब मैं ओला बुक किया था बट वो ओला वाले को अभी टाइम लगने वाला है, 10 to 15 minutes जाएगा, तो इसके लिए हमने ये टैक्सी वाले अंकल को पकड़ा, उन्हें कन्विंस किया और अब बैठ चुके हैं। यहाँ पे 15 मिनट में लाइन लगने के बाद क्या? मैं उनसे, अरे इनसे, इन लोगों से बात कर रहा था मैं। मैं ऐसा कह रहा था कि 15 मिनट वहाँ पे लाइन पे लगने के बाद पहला जो हमने देखा है वो है एक बाइक जो शायद से हीरो एक्स ब्लेड लग रही है। जितना मेरे को पता है ये हीरो एक्स ब्लेड लग रही है, जिसके ऊपर ये क्या कारीगरी की गई। तो मेरा गैस गलत था, वो एक्स ब्लेड नहीं है। गाड़ी उड़ेगी? कौन सी? ये वाली। यहाँ पे कार है जो आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। सीन क्या हुआ है कि यहाँ पे लोग बहुत है तो वो कार दिख ही नहीं रही है। ये कार एक्चुअली कीबोर्ड से बना है, मतलब उसके ऊपर कीबोर्ड चिपका है। मैं आपको दिखाता हूँ पास जाकर। ये कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड, बस आपको नहीं दिखा सकते। इतने भीड़ में कौन आने बोला तुझे? तुमने बोला, समझे?
क्योंकि तुम्हें छुट्टी होता है संडे को सिर्फ। हाँ तो इसके लिए काला घोड़ा आए थे, काला घोड़ा और इमेजी का दिख गया हमें। ये कह रहे कि काला घोड़े से व्हाइट घोड़ा आ गया यहाँ पे, जाने बलवा घोड़े पे क्यों सवार है। और मैं ये कहने वाला था कि ये बता रही है कि ये बॉटल्स, एक सेकंड जूम करता हूँ, ये मेरे एरिया से सब लाया है हमने। हाँ प्लास्टिक वाले जो है इसके एरिया से सब बॉटल लाया है। शानी तेरे बिन आधा सा हुआ अधूरा, कोई वादा सा हुआ। तेरे बिन आधा सा हुआ अधूरा, कोई वादा सा हुआ। देखो यहाँ पे कुछ मिनी डोर जैसा बनाया हुआ है जाली से, जैसे पुराने जमाने में होता था ना। कैसा होता था? अरे टेम्पोस होते ना। तो अभी भी ये सब टेम्पो चलते हैं, मिनी डोर। हाँ। मिनी डोर बोलते हैं इसको। और एक्चुअली सीन ऐसा हो गया कि हर जगह पे इतना भीड़ है, कुछ अच्छे से एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तेरा हाथ लग रहा है जंगली जैसा। अरे आना, तो मुंह बुला के भागते क्यों है? नहीं मेरा हाथ है। ये जाके कुछ थोड़ा अच्छा लगा है। इसके एलॉय व्हील्स देखो। हाँ ये कार जैसे, ये देखना एलॉय व्हील्स लग रहा है, प्रॉपर एलॉय व्हील्स है एक्चुअली है वो, क्योंकि बनाया रहेगा ना। और वो स्टेयरिंग है देख, फोटोग्राफी ऑन अनदर लेवल। सिंगल होने का दुख आप समझ सकते हो। एक्चुअली सीन ऐसा है कि आधे घंटे में हमने पूरा आर्ट फेस्टिवल देख लिया है। आधे से ज़्यादा तो ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में भी नहीं रही। जैसे सामने एक आपको दिखा दूँ, ये एक्चुअली क्या है कि उसके बाद में बोर्ड भी नहीं है कि हमको कुछ पढ़ के समझे कि एक्चुअल में क्या है वो। आर्ट से ज़्यादा यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। हाँ ये ज़्यादा है। कॉर्नर कॉर्नर्स में दिख रहा है ना वहाँ पे, वो वाले कॉर्नर्स, वो पूरा स्टॉल्स ही स्टॉल्स है। आर्ट का में स्टॉल ज़्यादा है। हम एक भी आर्ट के जो है नियर बाय नहीं जा पाए क्योंकि इतना भीड़ है, बहुत भीड़ है। क्योंकि बहुत आज जो है वर्किंग डे नहीं है और आज नाच डे है, आर्ट फेस्टिवल का आज बहुत जल्दी है, तो इसकी वजह से हम जो है जल्दी बोल, कल पनवेल जाना है। इसको बोलते क्या है? स्टार तो डिजाइन है पर इसको बोलते क्या है? ये इसको बोलते क्या है बोल तो? हम लोग स्टार्स बोलते थे, बाकी का पता नहीं। ऐसा है, आधा घंटा में टैक्सी में बिता के अभी हम पहुंचे गिरगांव चौपाटी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्राउड लग रहा था कि कम है, पर काफी ज्यादा आपको वहाँ पहुंच कर दिखाऊंगा। वो वहाँ पे बहुत गंदा क्राउड है। सीन अभी ऐसा है कि यहाँ पे पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। पहले यहाँ पे बैठ के खाते थे, मतलब कि स्टूल पे, ये जो स्टूल जो रखा है ना, ऐसे स्टूल पे बैठ के खाते थे। पर अभी जहाँ भी जाओगे ना, हर जगह चटाई लगा, यहाँ पे वहाँ पे हर जगह पे। तो हम लोग ना काला घोड़ा से यहाँ पे स्पेशली आए थे मरीन, क्योंकि सनसेट देखने के लिए। पाव भाजी खाते खाते इतना टाइम गया कि सनसेट पूरा बिल्डिंग के पीछे गया, वो भी इस लड़की के वजह से। शर्मा गया यार वो, और शर्मा गया नहीं, इसने एक्चुअली खाने में इतना टाइम लगा, इतना सीन तो अच्छा लग रहा है ना, अंदर तो और अच्छा लगेगा। पर क्राउड देखो कितना गंदा क्राउड है, इतना गंदा क्राउड चलने को भी जगह नहीं है, और जगह जगह पे चटाई 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 चटाई, सारे खंबे के लाइटें जल चुकी है, और रात का नजारा कुछ ऐसा है। सोचा था कि यहाँ पे आके कुछ अच्छा सनसेट देखेंगे, पर कुछ लोगों के वजह से वो सनसेट हम अच्छे से देख नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चल बाय बाय। बाय तो मैं क्यों बोलूं? नहीं मतलब इन लोगों को बाय। हाँ बाय। तो होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छी लगे तो कमेंट्स में सजेशंस दे सकते हो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही में घंटा दबाओ ताकि आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन
घंटा भी ना बोल पाए। मिलते आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइट से। ब्लॉग भी बन जाता है और इंस्टा पे जो है अगर पोस्ट करोगे फॉलोवर्स भी बढ़ जाने चाहिए ऐसे ब्लॉग बनाने का कि जो बोलते ना जिसकी वैल्यू हो गई। सॉरी दोस्तों, बस अनसब्सक्राइब कर देना ये सब सुन के।